अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान। वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट का पार्ट 4 करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन स्केलेटन आखिर होता क्या है। तो ह्यूमन स्केलेटन को हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये सेट है किसी एक स्ट्रक्चर का, हार्ड स्ट्रक्चर का, बोन्स भी हम कह सकते हैं। तो हार्ड स्ट्रक्चर का ये एक सेट है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। इसी की वजह से आप मूवमेंट कर सकते हैं, इसी की वजह से आप खुद भी देख सकते हैं कि रिब्स होती हैं और वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं हमारे लंग्स को, थोरेसिक कैविटी में इंक्लूड होती हैं, तो वो हमारे हार्ट को भी प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये स्कल ही ये जो प्रोटेक्शन है ये हमारे पास स्केलेटन ही है जो प्रोवाइड कर रहा होता है, यही है जो शेप दे रहा होता है। इसी की वजह से आपकी बॉडी की शेप है बोन्स की वजह से, यही है जो सपोर्ट दे रहा होता है और पावर जो मूवमेंट होती है वो भी स्केलेटन की वजह से हो रही होती है। अब हमारे पास ये होगा कि वो ये जो इसकी डिवीजन होती है, टाइप्स होती हैं स्केलेटन की, वो तीन तरीके की होती हैं, हाइड्रोस्टैटिक, एक्सो और एंडो। एंडो में हम लोगों ने पढ़ा था बोन्स और कार्टिलेज इंक्लूड होती हैं, तो वो हम आपके बुक में नहीं इंक्लूड है, बट हम यहाँ डिवीजन पढ़ेंगे। तो डिवीजन ह्यूमन स्केलेटन की टू डिवाइड हो रहा है, सब डिवाइड हो रहा है टू डिवीजन्स में, एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड होता है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, लाइक सेंट्रल एक्सिस में इंक्लूड होता है स्कल, आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपके थ्रेसिक केज में आपके पास वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड होता है, आपके पास रिब्स इंक्लूड होती हैं और थ्रेसिक केज में स्टर्नम भी आ जाता है, जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये एक ही होती है। तो इसमें देखें लिखा हुआ भी है रिब्स और स्टर्नम। सो यहाँ पे आपकी बुक में इंक्लूड है कि इसके पास टोटल 80 बोन्स होती हैं, 28 होती हैं बोन्स इन द स्कल। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मिस प्रिंटिंग है, स्कल में 22 बोन्स होती हैं, हेड में 28 होती हैं। यहाँ पे एक बोना चाहिए कि 28 बोन्स होती हैं हेड में और स्कल में 22 बोन्स होती हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। 1 व्हाइट बोन होती है, एक होती है 26 बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, 24 रिब्स होती हैं, 12 पेयर्स और 1 स्टर्नम, 1 ब्रेस्ट बोन होती है। स्कल की बात करते हैं, जो स्कल है सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी है, उसमें 2 टाइप्स की बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं, तो ये फ्रेश बोन्स होती हैं 14, और जो आपका क्रेनियम है जो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, ब्रेन बॉक्स ऑफ द बॉडी, इसकी बोन्स होती हैं 8, तो ये टोटल हो गई 22 बोन्स। हम ये कहते हैं कि जो स्कल है उसकी 22 बोन्स होती हैं, जबकि हेड की 29 बोन्स हो जाती हैं, क्योंकि हेड में आपके पास फेशियल बोन्स इंक्लूड हो गई, आपके पास फेशियल बोन आ गई, क्रेनियल बोन्स आ गई जो 22 हो गई। अब एक व्हाइट बोन होती है, व्हाइट बोन सिर्फ एक होती है, ये ऐसी बोन होती है, सिंगल बोन होती है जो आपके स्कल में प्रेजेंट होती है बिलो द टंग, ये आर्टिकुलेट किसी से भी नहीं कर रही होती किसी भी बोन्स की, हेड है पूरे, ये एमसीक्यू भी आता है ज़्यादातर एमडीकेट में, एमसीक्यू भी आ सकता है और ये आपकी बुक में इंक्लूड है, तो इसमें भी इंक्लूड है, ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि जो एक कौन सी बोन है जो किसी से आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती अदर बोन्स ऑफ द हेड से, तो वो व्हाइट बोन होती है। और इसमें हेड में ही 29 बोन्स हो रही हैं, तो एयर ऑसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये 3 पेयर्स में होती हैं। आप अब स्टेप्स की बात करें, आपके पास आगे मैं बताऊंगी, इनकस होती है और मेलियसस होती है, स्टेप्स होती हैं, तो वो बोन्स होती हैं एयर ऑसिकल्स की। अब हम बात करते हैं स्कल बोन्स फर्दर डिवाइड हो रही होती हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ क्रेनियल बोन्स में, फेशियल बोन्स से, और ये स्कल बोन्स नहीं होना चाहिए, ये हेड बोन्स होना चाहिए ऑडिटरी ऑसिकल से। अब क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, प्रोवाइड करता है अटैचमेंट फॉर द एसेंशियल रिसेप्टर ऑर्गन्स। ये क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं जो इंक्लूड करते हैं 2 लाइक पेयर होता है, एक होता है कि ये पेयर्ड कौन कौन सी होती हैं और अनपेयर्ड होती हैं। पेयर्ड बोन्स क्रेनियल बोन्स की, क्रेनियम हमारा ब्रेन बॉक्स है जो प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, उसमें पेयर बोन्स होती हैं 2, टेम्पोरल और पेरिएटल, जबकि अनपेयर्ड होती हैं फ्रंटल, ऑसिपिटल, सेफेनोइड, एथमोइड। ये आपको याद हो जाएंगी, जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको याद हो जाएंगी ईजी से। सो ये कि 2 पेरिएटल होती हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 टेम्पोरल होती हैं, तो ये पेयर बोन्स होती हैं 2 हैं और ये बाकी अनपेयर बोन्स होती हैं। फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द फेस को, हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में, ईटिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, स्पीच और स्ट्रक्चर में। सो ये जो 8 बोन्स होती हैं, जो 14 बोन्स होती हैं फेशियल बोन्स, उनका ये फंक्शन होता है। और ऑडिटरी ऑसिकल, जिसको आपको नेम से ही पता चल रहा है कि हेल्प करता है ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू द इनर एयर, और ये 6 होती हैं, इंक्लूड होता है मेलियसस, स्टेप्स और इनकस।
अब व्हाइट बोन की बात करें तो ये मैं बता चुकी हूँ, सिंगल बोन होती है जो आपके बेस ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है ब्लो द टंग, और ये किसी बोन से आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती, लाइक ये डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ हेड। सो ये एमसीक्यू भी आ सकता है, इसको याद रखिएगा। ये यू शेप बोन होती है, ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट फॉर द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी, जबकि खुद किसी से आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती, सिंगल बोन होती है। वन, अब वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को, सर्व करता है द साइट फॉर ब्लड सेल्स प्रोटेक्शन। वर्टिब्रल कॉलम ही है जिसमें आपके पास ये आगे फर्दर कंसिस्ट कर रही होती हैं, तो हम कहेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रीज होती हैं, सही है, और ये वर्टिब्रीज को आगे नेम दे दिए हैं। जो ऊपर की होती हैं सर्वाइकल रीजन की होती हैं वो 7 होती हैं, फिर थ्रेसिक कैविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसकी 12 होती हैं, 5 होती हैं लंबर, 1 सैक्रम और 1 कोकेक्स। ये जो ये फिक्स होती हैं डिफरेंट रीजन्स में, लाइक सर्वाइकल किस में होगी, नेक में होगी, थ्रेसिक चेस्ट कैविटी होती है, थ्रेसिक कैविटी होती है जो ओरिएंटली अटैच होती है विद द रिब्स, जबकि जो लंबर है वो एब्डोमिनल रीजन में होती है आपके एब्डोमेन में, और ये जो सैक्रम है ये सैक्रम प्रेजेंट होता है, लाइक ये सैक्रम ना फ्यूजन होती है 5 वर्टिब्री की। आप इन्होंने ये बताया हुआ नहीं है, पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम से। अब ये वर्टिब्रल कॉलम ना कंसिस्ट करता है 33, लेकिन आफ्टर फ्यूजन 26 हो जाती है, लाइक पहले आपको बताएंगे कि बिफोर फ्यूजन कितनी थी वर्टिब्रल कॉलम, वो 33 थी, आफ्टर फ्यूजन 26 हो गई। 26 कैसे हुई, कौन कौन सी फ्यूज हुई, तो सैक्रम होती है जो 5 वर्टिब्री फ्यूज होती हैं और वो एक बना देती हैं, तो इसका ये मतलब है कि 5 वर्टिब्री से वो एक हो गई है, वो सैक्रम है, जबकि जो 4 वर्टिब्री है जब वो फ्यूज होती हैं तो वो भी कोकेक्स होती है, और इसको ये टेल बोन कहते हैं, ह्यूमन में टेल बोन नहीं होती है, तो ये फ्यूजन हो चुकी होती है। जो वर्टिब्री है वो थ्रेसिक कैविटी चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ये भी अटैच होता है विद द रिब्स, लंबर एब्डोमिनल रीजन में होते हैं बिहाइंड द चेस्ट, सैक्रम में आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वर्टिब्रीज बताएं, ये सैक्रम और ये कोकेक्स टेल बोन होती है। किश को पढ़ने से पहले अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि एटलस फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है और एक्सिस सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्री है, सो ये पूछ लेते हैं कि फर्स्ट वर्टिब्री कौन सी है एमडीकेट में, सो दैट्स व्हाई मैं ये बता रही हूँ कि एटलस होती है फर्स्ट और एक्सिस होती है सेकंड। तो ये इन्फॉर्मेशन है, और ये है कि जो सेक्रल होती है या कोकिक्स जो वर्टिब्री होती है ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करती है, लाइक हम ये कहते हैं कि ये पेल्विक गर्डल पेल्विक वर्टिब्री में आगे जाके डेवलप हो जाती है। पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल अभी हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर में, तो वो अभी आपको मैं बताऊंगी, तो बस ये याद रख लीजिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिबकेज। रिबकेज फॉर्म होता है बाय रिब्स और स्टर्ना। रिब्स होती हैं 12 पेयर्स होते हैं, टोटल 24 होते हैं, और ये आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं पोस्टीरियरली विद थोरेसिक वर्टिब्री। तो हम ये कहते हैं कि जो 10 रिब्स हैं ये होती हैं, 10 रिब्स एंटीरियरली कनेक्ट होती हैं स्टर्नम से, ब्रेस्ट बोन जो है, जबकि तो जो दो होती हैं 11 और 12 होती है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो फ्लोट कर रही होती है, वो अटैच नहीं होती स्टर्नम से। है जो 7 पेयर्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम से बाय कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, सो ये होंगी 2 रिब्स। जो 8, 9 और 10 पेयर होता है वो फॉल्स रिब कहलाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती स्टर्नम से, सो दैट्स वाई जो आगे 3 पेयर्स हैं 8, 9 एंड 10 वो होंगी फॉल्स रिब्स। तो ये था अबाउट रिबकेज। जो हमारी मूवेबल लिम्स होती हैं ना वो अटैच होती हैं एक्सियल स्केलेटन से, और फिर वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें टोटल 126 बोन्स हैं, इसकी डिवीजन ये होती है कि पेक्टर पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल। अभी अगर हम बात करें पेल्विक गर्डल की, तो पेल्विक गर्डल अपर लिम अपर रीजन ऑफ द बॉडी को सपोर्ट कर रहा होता है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स एसोसिएट इसमें करती हैं 64। 30 बोन्स होती हैं एक हाथ में, 30 बोन्स होती हैं एक हाथ में, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन फोर लिम है अपर लिम है, ईच फोर लिम कंटेन करता है 30 बोन्स, और 4 यहाँ पे इसलिए कहा हुआ है 4 बोन्स जो 60 हो गई 30 30, और 4 बोन्स हैं यहाँ पे क्लेविकल और स्टर्नम। क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है फीमेल में। हमारे पास 2 बोन्स होंगी स्केप्यूला की और 2 बोन्स होंगी क्लेविकल की पेक्टोरल गर्डल में। विल द जो एंटीरियर लिम है जो आम बोन्स है वो एसोसिएट करती हैं गर्डल से। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि कौन सी बोन्स है जो इससे एसोसिएट होती हैं, जिससे आर्टिकुलेट होती हैं,
वो ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है और अल्ना होती है। इसमें रेडियस को आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि रेडियस बोन थोड़ी सी थिक होती है, ये देख सकते हैं आप, रेडियस बोन थोड़ी सी थिक है जबकि अल्ना बोन थोड़ी सी थिन है। तो ये इसमें कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लिंजेस होती हैं। कार्पल और मेटाकार्पल में ये है कि आपने इसमें पूरी बोनी दीवी प्रोमिनेंट नहीं किया हुआ कि कौन सी बोन्स किसकी है, बट को जॉइंट पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ह्यूमरस है जो फॉर्म करता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद स्कैपुला। ह्यूमरस से टू पैरेलल बोन्स निकल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस थोड़ी सी थिक होती है, अल्ना हमारे पास थोड़ी सी थिन होती है। अब हम बात करते हैं कार्पस और मेटाकार्पस की। जो कार्पस बोन्स होती हैं वो स्मॉल बोन्स होती हैं और ये रिस्की बोन है, ये टोटल एट होती हैं, जबकि टोटल एट होती हैं। एक में एक आप आर्म ले लें और जो टोटल कितनी हो जाएंगी, टू आर्म्स की 16 हो जाएंगी। 10 मेटाकार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स बोन होती हैं आपके पाम की, आपकी हथेली की, और ये टोटल एक हाथ में 5 होती हैं। दोनों हाथ की मिला के कितनी होंगी, 10। अब फ्लिंजेस है, फ्लिंजेस की बात करें तो फ्लिंजेस होती हैं आपकी जो पाम से फिंगर जा रही होती हैं उनके पास स्मॉल बोन्स होती हैं 14, तो उनको हम कहते हैं फ्लिंजेस, और ये अरेंज होती हैं 5 रॉज में, आप देख सकते हैं आपके पाँच उंगलियाँ। तो टोटल हो गई 28 क्योंकि हर एक उसमें 14 बोन्स होती हैं। अब पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्ब बोन्स की बात करें तो पेल्विक गर्डल सपोर्ट करता है बॉडी वेट को, ये हेल्प करता है मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट करता है पेल्विक विस्रा। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो लोअर लिम है, जो हाइंड लिम है, उसको सपोर्ट करता है पेल्विक गर्डल। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा ये होता है कि ये ना पेल्विक गर्डल लेग्स बोन से अटैच होता है वर्टिब्रल कॉलम से, और ये हिप रीजन पे अटैच होता है। हर पेल्विक गर्डल को हम ये कहते हैं कि ये इननोमिनेट बोन्स होती हैं, अजीबो गरीब बोन्स होती हैं ये, क्योंकि ये फ्यूज हुई भी होती है, 3 बोन्स की फ्यूजन होती है। जब 3 बोन्स की फ्यूजन होती है तब इसकी फॉर्मेशन होती है, और वो 3 बोन्स होती हैं इलियम, एस्ट्रियम एंड प्यूबिस। ये देख सकते हैं 2 इलियम, 2 प्यूबिस एंड 2 एस्ट्रियम बोन्स जब फ्यूज होती हैं तो वो फिर पेल्विक गर्डल की फॉर्मेशन होती है, और इसको हम कहते हैं इननोमिनेट बोन्स, अजीबो गरीब सी बोन्स होती हैं ये। और ये हिप और कफ बोन्स होती हैं, कॉक्सल बोन्स भी कहते हैं 2 हाफ्स में, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप कॉक्सल बोन्स बना दें, तो जो 2 कॉक्सल बोन्स हैं ये फॉर्म करती हैं बोल शेप पेल्विसेस जो कीप द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिंग लाइक शेप है गर्डल की, ये ड्यू टू है जॉइनिंग ऑफ कॉक्सल बोन विद द सैक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। भी आप लोगों को बताया था कि याद रखना है आपको कि जो सैक्रल और कोकेक्स वर्टिब्री होती है इन्हीं को पेल्विक वर्टिब्रीज कहते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से पेल्विक वर्टिब्री फॉर्मेशन हो रही होती है। तो ये जो रिंग लाइक शेप है गर्डल की, ये है ड्यू टू जॉइनिंग ऑफ कॉक्सल बोन विद द सैक्रम ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एट इंटीरियर साइड एंड बिलो बाय जॉइंट इन बिटवीन प्यूबिस पार्ट। प्यूबिस पार्ट से तो इसको हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस। अब क्या है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें अभी हमने ह्यूमरस के बारे में पढ़ा था, हमने टीबिया फिब्यूला इसके बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पेल्विक गर्डल की बोन्स के बारे में। तो वो होती है फीमर, फीमर बोन्स होती है आपकी थाई की, जैसे शोल्डर बोन था ह्यूमरस। 2 टिबिया होती हैं, 2 फिब्यूला होती हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि फिब्यूला थोड़ी सी थिक बोन है जबकि जो टिबिया है ये थिन बोन है। पेटीला, पेटीला घुटने की हड्डी को कहते हैं, ये घुटने की जो बोन है इसको पेटीला कह रहे हैं। 14 टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स, और 28 फ्लिंजेस। फ्लिंजेस का बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, फ्लिंजेस जो आगे जो स्मॉल बोन्स होती हैं आपके टोज की वो है फ्लिंजेस, और ये टोटल 28 हो गई। आपकी जो एंकल होता है उसमें टार्सल बोन प्रेजेंट होती हैं और हर पैर में 7 होंगी, तो टोटल वो 14 हो जाती हैं। अब मेटाटार्सल्स की बात की जाए तो मेटाटार्सल्स 5 लॉन्ग सिलेंडर बोन्स होती हैं, सोल में प्रेजेंट होती हैं, और ये टोटल 10 हो जाती हैं और 28 फ्लिंजेस होती हैं। तो ये था अबाउट पेल्विक गर्डल। डायग्राम से देख सकते हैं एलियम कॉक्सल बोन है ये प्यूबिस, और ये एस्ट्रियम, ये आगे फ्यूजन हो जाती है, और ये इनको हम कहते हैं प्यूबिस, एस्ट्रियम और एलियम को, कि ये इननोमिनेट बोन्स हैं। ये लॉन्ग बोन आपकी आ गई, और ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन अगर आप पूछें तो वो होती है फीमर, द जो अपर लेग की होती है थाई की जो बोन है वो फीमर है, और ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन स्केलेटन की। जबकि जो स्मॉलेस्ट बोन होती है वो आपके एयर में प्रेजेंट होती है, और वो स्टेप्स होती है ऑडिटरी ओसाइल में प्रेजेंट होती है मिडल एयर में, सो वो होगी स्मॉलेस्ट बोन। जबकि जो लॉन्गेस्ट है, जो हार्डेस्ट है, वो फीमर है। ये पेटीला, ये जो नी बोन, ये नी जॉइंट जो बन रहा होता है ना, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा था, तो वो जो नी जॉइंट है वो यहाँ पे पेटीला घुटने की हड्डी है।
ये फिब्यूला ये थिक है, ये टीबिया है, और ये टार्सल्स होते हैं जो आपके एंकल की हड्डी है, ये मेटाटार्सल्स सोल में प्रेजेंट है, और फ्लेंजेस तो आपको पता है ये रॉ में आ रही है। आई होप समझ आया होगा, ये आप लोगों को भी मुश्किल लग रहा होगा बट ये बोन्स है और इसमें इंटरेस्ट होगा तो जल्दी से याद भी हो जाएंगी। ये आप लोग मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि कौन सी बोन कितने पेयर्स में प्रेजेंट होती है और कितनी उसकी क्वांटिटी होती है। इंशाल्लाह ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।